यू गाइस, सो दिस इज नीतू सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लुक आज मैंने एक नए लुक के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ, और ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है आप देख सकते हैं, पिंक आई मेकअप लुक है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है, लाइट होते हुए वाइब्रेंट लग रहा है। तो आप इस लुक को, बेस तो सेम रहेगा जैसा कि मैंने बताया है, लेकिन आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो आपने वियर करा है उसके अकॉर्डिंग आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। आप आउटर वी पे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, कोई भी मतलब डार्क और लाइट का आप मिक्सचर करके और बहुत अच्छे से इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और इस लुक को सीखने के लिए आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेस भी सिखाया है। मैं अपने चैनल पे पूरा फुल लुक दिखाती हूँ कि कैसे आप बेस क्लियर करेंगे, कैसे आप आई मेकअप करेंगे, कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे खुद को। मैंने एक्सरसाइज किया है, आप देख सकते हैं, जंग ज्वेलरी के साथ, क्योंकि इस पर अच्छा लग रहा था पिंक पे। तो अगर मैं पिंक कलर की ज्वेलरी पहनती तो मेरा लुक उतना हाईलाइट नहीं करता, इसलिए मैंने ये पहना है। मैं बहुत गोल्डन भी नहीं अच्छा लगता इस पर। तो मैं अपने चैनल पे सारा लुक दिखाती हूँ कि आप किस तरह से अपने होल लुक को कम्प्लीमेंट दे सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और ये लुक आप किसी भी पार्टी के लिए आप इस लुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं, कोई भी ओकेज़न हो उस पर आप इस लुक को वियर कर सकते हैं और पार्टी की शान बन सकते हैं। तो अगर आपको लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर थोड़ा और अच्छा लगा तो अपने नियर और डियर को शेयर करिए, और बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको लुक अच्छा लगेगा, और आपने अगर लुक क्रिएट किया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपने कैसे लुक किया क्रिएट। और अगर आप कोई और तरह का लुक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी अभी तो आगे आपको वीडियो देखना है। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप आज मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैंने अपना नाम बता ही दिया, मेरा नाम नीतू सिंह है, मेरे चैनल का नाम है नीतू लाइफ केयर। तो अगर आपको इस वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, आपको जो भी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो गाइज, इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फेस अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा तो आपका जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस बनेगा। और अब मैंने प्राइमर लिया है जिसको मैंने डैब डैब करके अपने फेस पे लगाया है, जिससे कि वो पोर्स में फिलिन हो जाए अच्छे से। और ये मैं लिप को अपने मॉइस्चराइज कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब मैंने ऑरेंज कलर का एक लिपस्टिक लिया है और उससे मैं अपने फेस के कलर को करेक्ट कर रही हूँ, हर जगह इवन टोन दे रही हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है या डार्क सर्कल्स हैं, जैसे मेरे चीक्स पे, दोनों चीक्स पे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, उन सबको मैंने फिंगर टिप्स से अच्छे से ढक लिया है, हाइड कर लिया है। और उसके ऊपर मैं अब कंसीलर का यूज कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे अपने फेस को कंसील करना है वहाँ वहाँ पर मैं कंसीलर का यूज कर रही हूँ। मेरे चिन एरिया में भी बहुत सारा पिगमेंटेशन है, अगर आपके फेस पे नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत ही लकी हैं। लेकिन मेरे फेस पे है, तो अच्छे से इसको मैंने फिंगर के टिप से ही पूरे फेस को कंसील कर लिया है। और अब ये फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं। फाउंडेशन क्योंकि मैंने कलर करेक्टर भी किया है, कंसील भी किया है, इसलिए फाउंडेशन बस थोड़ा सा ही लगाना है मुझे। और अभी मैं सारे बेस को लॉक कर रही हूँ फेस पाउडर से, और ये आई ब्राउज को फिल इन करने के लिए मैंने ब्लैक और ब्राउन दो कलर का आई शेडो लिया है पैलेट से। और इसको मैं ब्रश की हेल्प से, एक छोटे पतले ब्रश की हेल्प से, हल्के हल्के स्ट्रोक लगाते हुए मैं आईब्रो को अपने फिल इन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, जिससे कि बहुत ही नेचुरल लुक आया है। पहले मैं आईब्रो पेंसिल से किया करती थी, लेकिन उतना अच्छा लुक नहीं आता था। ये अब मैं ब्रश कर रही हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा है, लुक नेचुरल लग रहा है बिल्कुल। और पहले मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं आता होगा, लेकिन जब मैंने ट्राई किया, मैंने कहीं देखा किसी की वीडियो में तो ट्राई किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब आई मेकअप करने के पहले मैं अपने दोनों आईज़ के नीचे अच्छे से पाउडर लगा लिया है मैंने, ताकि जो भी डस्ट ऑफ हो आई शेडो का वो हम अच्छे से बाद में रिमूव कर सकें। और ये अब सबसे पहले मैंने अपने स्किन से वन टोन डार्कर ब्राउन शेड लिया है और उससे अपने आई लीड को कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मतलब कि एक लाइन दे रही हूँ कि बस इतने ही एरिया में मुझे
कोई भी आई शेडो को पिक कर लगाना है जिससे कि आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगे, खिल के आए, पॉप अप होके आए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक अपने स्किन से 1 से 2 टोन डार्क कर एक ब्राउन कलर का शेड लिया है और उसको अच्छे से अपने पूरे लीड पे अच्छे से फैला लिया है जहाँ जहाँ भी मुझे आई शेडो का यूज करना है। और अब ये मैं पिंक कलर, चूँकि मैंने पिंक ड्रेस वेयर की है इसलिए पिंक कलर का आई शेडो लिया है मैंने, और सबसे पहले उसको आउटर वी पे सर्कुलर मोशन में प्लेस किया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको आउटर वी पे ही कोई भी आई शेडो प्लेस करना होता है जिससे कि पूरी आईज़ का लुक बहुत ही डिफाइन होके आता है, और उसको धीरे धीरे इनर की तरफ लेके आना है आपको। आप देख सकते हैं कि पहले सर्कुलर मोशन में मैंने किया, आउटर वी पे अच्छे से किया है, और उसके बाद धीरे धीरे इनर वी की तरफ लेके आना है, और बाद में थोड़ा सा विंग शेप का भी पीछे ले जाना है, विंग शेप भी निकालते जाना है अपने आईब्रो के ब्राउज के नीचे से, जिससे कि आपकी आईज थोड़ी और शार्प लगे। तो इस तरह से, इस टेक्निक से कोई भी, जो अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप भी आराम से आई शेडो लगा सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि आई शेडो मतलब बहुत ही आई मेकअप करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिस टेक्निक को मैं बता रही हूँ उसको करके आप बहुत ही ईजिली कोई भी कलर का आई शेडो लेके, आप जिस भी कलर की ड्रेस पहनते हों पहने हों तो लाइट और डार्क, आप ये ध्यान रखिए बस कि डार्क को आपको आउटर वी की तरफ रखना है और लाइट को हमेशा आपको इनर वी की तरफ रखना है, चाहे कोई भी कलर हो। और आपको प्रो होना पड़ेगा, अगर प्रो होना है तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसको यूज करना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, बिना ट्राई किए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा आउटर वी को और इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, जिसको आपने देखा है कि मैंने विंग शेप में प्लेस किया है अच्छे से, और ये इनर की तरफ जो मेरी लिड खाली थी वहाँ पर मैंने वाइट बोन कलर यूज किया है, मैट आई शेडो है ये, बहुत ही वाइब्रेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है इस पिंक के साथ। उसको मैं इनर पे उंगलियों के ही टिप से लगाऊंगी और उसको धीरे धीरे मैं आउटर वी की तरफ ले जाऊंगी हाफ लीड पे। आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे ले जाना है जिससे कि सारा आई शेडो बिल्कुल ब्लेंडेड लगे, और बाद में जो हार्श लाइन आ गई है उसको भी आउटर वी पे जो भी प्रोडक्ट मैंने प्लेस किया है, मैंने दूसरा प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसी प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड किया है और आगे की तरफ, जिससे कि ये लुक ब्लेंडेड लुक निकल के आया है। और इसको आप भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया है वैसे आप करिए तो बहुत ईजी से आप कोई भी इस टेक्निक से आप कोई भी आई शेडो, दो तरह का आई शेडो आप आराम से अपने मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं। और ये आई लाइनर लगाया है मैंने, बहुत ही पतला लगाती हूँ मैं, अगर आप चाहें तो आप मोटा भी लगा सकते हैं। और ये वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन पर मैं काजल यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है आई शेडो का, और काजल लगाने के बाद, काजल के बिना तो आई मेकअप बिल्कुल अधूरा होता है, जब तक आप काजल नहीं लगाएंगे आपका आई मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हैं काजल लगाते ही लुक और अच्छा खिल के आ गया है। और ये अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, कॉन्टोर वहीं पर करते हैं जहाँ पे भी, जब भी आप अगर धूप में खड़े होकर अपने फेस को देखते हैं तो जहाँ पे शेडो आता है, शेडो फॉल होता है आपके फेस पे, आपको उसी एरिया में कॉन्टोर करना होता है, क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर यूज करने के बाद हमारा फेस बहुत ही फ्लैट सा दिखने लगता है और जो भी शेप नेचुरल होता है वो गायब हो जाता है, कहीं पूरा फेस फ्लैट हो जाता है। तो उसको फिर से नेचुरली दिखाने के लिए आपको कॉन्टोर, ब्लश ऑन, ये सब का यूज करना होता है वापस से। जो आप देख सकते हैं मैं अपने फॉरहेड को कॉन्टोर कर रही हूँ यहाँ पर, इससे आप अपने फॉरहेड को छोटा भी दिखा सकते हैं, बड़ा भी दिखा सकते हैं। अगर आपका छोटा है फॉरहेड तो आपको फॉरहेड पे कॉन्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मस्कारा सॉरी लगाने में भूल गई थी, जो मैं अब लगा रही हूँ, मस्कारा के बिना आई मेकअप अधूरा होता है, लेकिन मैं भूल गई थी तो कॉन्टोर करने के बाद में लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए मेकअप में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, आपको अपने फेस पे जब भी सही लगे आप कर सकते हैं। अब मस्कारा बाद में भी लग सकता है, इसलिए मैं बाद में लगा रही हूँ, ये ब्लश ऑन का यूज कर रही हूँ मैं। और जब भी आपका ब्लश ऑन और कॉन्टोर ख़त्म हो जाए तो आप पाउडर पफ को फोल्ड करके और अपने चिन एरिया पे जहाँ आपने कॉन्टोर का यूज किया है उसके जस्ट नीचे से थोड़ा सा आप लगा देंगे, पफ कर देंगे, तो वो आपका जो कॉन्टोर है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, अच्छा लगेगा।
और ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन को, इनर कॉर्नर को, और अब ये लिप पेंसिल से मैं अपने लिप को फिल इन कर रही हूँ, क्योंकि बिना लिप पेंसिल से फिल किए हुए अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, आपके लिप्स फुलर नहीं लगते हैं, पूरा शेप निकल के नहीं आता है जो भी आपका शेप है। तो हमेशा मैं लिपस्टिक लगाने के पहले लिप लाइनर का यूज़ ज़रूर करती हूँ, और मुझे थोड़ा सा रेड और पिंक दोनों का मिक्स टोन चाहिए था, इसलिए मैंने पहले रेड कलर की लिप पेंसिल से आउटलाइन किया और बाद में पिंक कलर की लिप पेंसिल से मैं उसको फिल इन कर रही हूँ, जिससे कि दोनों मिक्स टोन आए पिंक और रेड का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर मुझे। आप चाहें तो अपने ड्रेस की कोई भी कलर लाइट कलर को आप बीच में हमेशा लगाइए। तो गाइस आई एम डन विद दिस लुक, तो देखा आपने कि आपको लुक कितना अच्छा लगा, और आपको क्या सबको अच्छा लगेगा जो भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको सारी एक एक चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं पूरा होल लुक दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट किया, किस तरह के कपड़े पे, किस तरह की ज्वेलरी, किस तरह का मेकअप, सब कुछ दिखाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने नियर और डियर को शेयर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइफ में मस्ती करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।